वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं IR कॉन्सेप्ट्स एंड कंस्ट्रक्शंस। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको आपका खुद का प्लान और डिज़ाइन बनाना है, नीचे आप एक नंबर देख सकते हैं, उस नंबर पर कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज का प्लान है 40x60 फीट प्लॉट में एक अपार्टमेंट डिज़ाइन किया है। इसमें आपको 7 फ्लैट्स मिल रहे हैं, तो चलिए जल्दी से प्लान स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आगे की तरफ रोड दिखाया है, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका गेट आ जाएगा आगे की तरफ। यहाँ मैंने एलिवेशन में आपने देखा होगा, इसका जो गेट का ये एंट्रेंस का जो 30% पोर्शन है, ये है मैंने एक छोटा सा टाइल क्लैडिंग करके डिज़ाइन दिया है, और बाकी का जो पोर्शन है वो आपको गेट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 39 फीट वाइड आपको ये पूरा पार्किंग का पोर्शन मिल रहा है, और यहाँ पे इसका लेंथ है 22 फीट 6 इंचेस, और राइट साइड आप देख सकते हैं 34 फीट मिलेगा, और यहाँ पे 27 फीट मिल जाएगा। तो आगे आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयरकेस प्रोवाइड किया है, 3 फीट वाइड स्टेयर्स मिलेंगे आपको, 4x6 फीट लिफ्ट के लिए रख दिया है, और आप देख सकते हैं दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड 2 फीट 6 इंचेस का सेटबैक प्रोवाइड कर दिया है। तो ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे आपको 2 बेडरूम का एक फर्स्ट फ्लैट मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन डोर, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, आपको 11x20 फीट 6 इंचेस का बहुत ही बेहतरीन लिविंग एरिया मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका विंडो प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ पे भी एक विंडो प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड आपको ओपन किचन में डाइनिंग मिल रहा है 9x20 फीट 6 इंचेस का। यहाँ पे डाइनिंग का विंडो यहाँ पे लगाया और किचन का विंडो यहाँ पे आ जाएगा, और डाइनिंग से आपको 9x4 फीट का यूटिलिटी भी मिल रहा है, और कॉमन बाथरूम जो है 6x4 फीट का। तो राइट साइड आ जाते हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट बेडरूम आपको मिलेगी 12x10 फीट की विथ अटैच बाथरूम 8x4 फीट का, और सेकेंड बेडरूम 12x10 फीट की और 8x4 फीट का अटैच बाथरूम मिल जाएगा। तो चलिए स्टेयरकेस के पास आते हैं। यहाँ से आप ऊपर चढ़ के आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही प्लान है, आपको ये टिपिकल फ्लोर प्लान मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर में बिल्कुल सेम प्लान रहेगा। तो यहाँ से आप ऊपर चढ़ के यहाँ पे एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डोर रखा है और यहाँ पे एक डोर रखा है, तो यहाँ पे आपको 2 फ्लैट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले पीछे के फ्लैट के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल आपने नीचे देखा वही सेम डायमेंशंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, बट थोड़ा सा चेंजेस है। आप देख सकते हैं लिविंग एरिया से यहाँ पे एक 11x4 फीट 6 इंचेस की बालकनी रख दी है, और ये बाथरूम हटा दिया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए लिविंग एरिया में। अगर आपको इसका हाफ पोर्शन काफ़ी है वेंटिलेशन के, यहाँ पे एक विंडो लगा सकते हैं, और यहाँ पे इसका हाफ पोर्शन की बालकनी बना के, और जो बाकी का हाफ पोर्शन है वो इस बेडरूम के लिए अटैच भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किचन और डाइनिंग और यूटिलिटी एंड ये जो 6x4 फीट का कॉमन बाथरूम है बिल्कुल सेम डायमेंशंस रहेंगे, और दोनों बेडरूम आपको सेम साइज़ के मिलेंगे, और इसमें आपको 3x10 फीट के 2 बालकनीज भी मिल रहे हैं दोनों बेडरूम के लिए। तो चलिए आ जाते हैं आगे का जो फ्लैट है उसके तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन डोर आपका मिल जाएगा, मेन डोर में यहाँ पे एक छोटा सा विंडो प्रोवाइड किया है, डोर का विंडो आपको मिलेगा। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, आपको 14x17 फीट 6 इंचेस का लिविंग एरिया मिल रहा है। आप देख सकते हैं बड़ा सा विंडो यहाँ पे लगा दिया है, और इस लिविंग एरिया से आपको यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम मिलेगी जो है 14x11 फीट की। इसमें आपको काफ़ी अच्छे बेडरूम्स मिल रहे हैं कंपेयर टू ये पीछे वाला जो फ्लैट था, उससे बड़े साइजेस के आपको बेडरूम यहाँ पे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अटैच बाथरूम दिया है 4x7 फीट का, इसका विंडो यहाँ पे लगा दिया है। तो चलिए लिविंग एरिया के पास आते हैं। आप देख सकते हैं लिविंग एरिया से आपको 14x4 फीट 6 इंचेस की बहुत ही बेहतरीन बालकनी भी मिल रही है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ओपन किचन में डाइनिंग भी मिल जाएगा जो है 18x6 इंचेस/10 फीट का। और यहाँ पे डाइनिंग से हमने एक और बेडरूम के लिए एंट्रेंस रख दिया है, अगर आप चाहें तो यहीं पे डोर लगा सकते हैं, बट ये दोनों लिविंग एरिया से हो जाएंगे इसीलिए एक डोर यहाँ पे लगा दिया है। 14x11 फीट 6 इंचेस की एक और बेडरूम मिलेगी, सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा ऑफसेट मिलेगा, आप चाहें तो यहाँ पे वार्डरूम कम ड्रेसिंग बना सकते हैं। इसको अटैच बाथरूम में मिल रहा है 4x7 फीट का। तो किचन और डाइनिंग आपने देख ही लिया होगा, 18x6 इंचेस/10 फीट की ओपन किचन में डाइनिंग मिल जाएगी। आप देख सकते हैं प्रॉपर विंडोज़ और वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए हैं, वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा इस अपार्टमेंट में। तो जैसे आपने देखा, ये था हमारा आज का 40x60 फीट प्लॉट में
सेवन फ्लैट्स डिज़ाइन किए हैं, जी प्लस थ्री आपको यहाँ पे मिल रहा है, और इजी से पार्किंग में 5-6 कार आराम से पार्क हो सकती है, और टू व्हीलर्स भी। एलिवेशन तो आपने देखा होगा, अगर आपको ये प्लान और इसका वॉक थ्रू और एलिवेशन इसका पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आगे और भी तरह तरह के प्लान्स और डिज़ाइंस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, चलिए अब हम उस वॉक थ्रू को कंटिन्यू करते हैं।